मोतिहारी पुलिस ने शराब कारोबार को लेकर भारत नेपाल सीमा स्थित रक्सौल में बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में छापेमारी कर हजारों लीटर कच्चा स्प्रिट जब्त किया है। साथ ही इस मामले में लगभग 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस कार्रवाई के लिए मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात ने रक्सौल DSP के साथ एक SIT टीम का गठन किया था, जिसके बाद सूचना मिलने पर ट्रांसपोर्ट गोदाम में छापेमारी की गई, जिसमें 3000 लीटर स्प्रिट जब्त किया गया है। इस मामले में ट्रांसपोर्ट कंपनी के 5 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अवधेश कुमार, मनोज कुमार, संतोष कुमार, शिवजीत सिंह, मुकेश कुमार शामिल है। मामले की जानकारी देते हुए SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले में बहुत ऐसे ट्रांसपोर्टर है जो केमिकल के नाम पर लाइसेंस बनवाया है और अवैध तरीके से स्प्रिट का काम करता है। पुलिस अब पूरे जिले के ट्रांसपोर्ट का लिस्ट तैयार कर जांच करेगी। साथ ही इस मामले में ट्रांसपोर्ट में इतनी बड़ी मात्रा में स्प्रिट कहां से आया है और कहां सप्लाई दिया जाना था, इसकी जानकारी भी जुटाकर पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी पुलिस और उत्पाद पुलिस के द्वारा स्प्रिट कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रक्सौल थाना स्थित ट्रांसपोर्टर के एक गोदाम से 3000 लीटर से भी ज़्यादा स्प्रिट को बरामद किया है और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्प्रिट की मात्रा को देखते हुए रक्सौल SDPO और सदर SDPO के नेतृत्व में एक SIT का गठन भी किया गया है, जिसमें DIU की टीम को भी शामिल किया गया है और SIT ने फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए जो ट्रांसपोर्टर है उस ट्रांसपोर्टर के यहाँ काम करने में 5 लोगों को हिरासत में लिया है और इस पर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित किया जा रहा है। और साथ ही ने SIT ने मोतिहारी ज़िले में जितने भी केमिकल ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी सूची बनाई है और केमिकल ट्रांसपोर्ट के नाम पर स्प्रिट की तस्करी करने वाले जितने भी केमिकल ट्रांसपोर्टर हैं उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।